दुनिया भले ही महंगाई के दौर से गुजर रही हो, लेकिन जयपुर की पारंपरिक गोपाल जी के हेड़े की परिक्रमा का वैभव साल दर साल कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आज से 203 साल पहले शुरू हुई परिक्रमा में स्वरूपों को धारण कराए जाने वाले आभूषणों में कई गुना की वृद्धि हुई है। देखिए संवाददाता देवेंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट। बैंड बाजे की धुनें और झूमते नाचते श्रद्धालु। तस्वीरें दो साल पहले की हैं, जब जयपुर में गोपाल जी के हेड़े की परिक्रमा धूमधाम के साथ निकाली गई थी। वक्त बीता, महंगाई भी बढ़ी, लेकिन इन तमाम पहलुओं के बाद भी इस परंपरागत परिक्रमा पर कोई असर नहीं हुआ। परिक्रमा निकालने और इसमें शामिल होने की होड़ श्रद्धालुओं में और ज्यादा बढ़ने लगी है। यही नहीं, परिक्रमा के वैभव में भी पहले के मुकाबले स्तर भी और बढ़ा है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि परिक्रमा में शामिल राधा गोपाल जी और ललिता विशाखा सखियों के स्वरूपों को करोड़ों रुपए के आभूषण और सोने चांदी की जरी से बनी सुनहरी पोशाक धारण करवाकर नगर भ्रमण करवाया जाता है। इस बार भी इन स्वरूपों पर 2 सितंबर को नगर परिक्रमा करवाई जाएगी। कीमती वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित इन स्वरूपों की सुरक्षा के लिए बकायदा घुड़सवार और 5 थानों की पुलिस लगाई जाती है। वैसे तो छोटी काशी में अनेकों परिक्रमाएं निकाली जाती हैं, लेकिन जयपुर में गोपाल जी के हेड़े की परिक्रमा की बात कुछ अलग है। जानकारों की माने तो इस परिक्रमा में राधा गोपाल जी के साथ ही ललिता और विशाखा सखियों के स्वरूपों की पोशाकें 174 साल पुरानी हैं। बताते हैं कि उस समय समाज के लोगों ने शुद्ध सोने चांदी की जरी से 30 किलो वजनी 4 पोशाक तैयार करवाई थी और हर पोशाक का वजन करीब 8 किलो था। गोपाल जी की जो परिक्रमा थे या सम्मत 1876 से चालू थे और 204 चौथी निकली थी। इनमें खोवाला टेड़ गया लालानी ये नगर सेठ भी कर रहा था। राजा महाराजा का एक गाँव जावो रोचो जनता में मनोरंजन को साधन को ऊंचो इसलिए राजा जी ने खैरियत ली और या विशेषुर की चौकड़ी गोपाल जी के रस्तो यो सेठा को चो इसलिए या परिक्रमा खूब साथ बादशाह हो जी ऊ जमाना के माने माका बाबा जी और जब अत्याचा यदि ऊपर से थाली फेंगे तो सारी जमीन चुको ना हो इतनी आदमी आओ जो अब कुछ मीडिया में प्रचार होगा लागदा कुछ नया जमाना की परिक्रमाएं निकल लागी उनको फर्क तो पड़ेगा। हेड़े की परिक्रमा को अग्रवाल समाज के लोगों ने संवत 1876 में शुरू किया था। उस समय इस परिक्रमा के प्रति समाज के साथ राज परिवार की भी पूरी श्रद्धा थी। महाराजा जय सिंह द्वितीय खुद त्रिपोलिया गेट पर स्वरूपों के दर्शनों के लिए पहुंचते थे और सोने की एक गिन्नी भी भेंट किया करते थे। सबसे खास बात हेड़े की परिक्रमा की ये है कि इसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल होते हैं। परिक्रमा में सभी लोग सफेद धोती कुर्ता और मोतिया रंग की पगड़ी पहनकर नंगे पांव ढोलक और मजीरों के साथ भजन कीर्तन करते हुए चलते हैं। परिक्रमा से पहले चांदी की ढोलकी की पूजा होती है और समाज के मुखिया की ढोलकी बांधी जाती है। 3 पीढ़ियों से धोती वाला परिवार ढोलकी बांध रहा है। छोटी काशी में वैसे तो कई परिक्रमाएं निकलती है, लेकिन गोपाल जी की हेड़े की परिक्रमा जयपुर की सबसे खास परिक्रमा मानी जाती है। हेड़े की परिक्रमा में आज भी परंपरागत रूप से राधा गोपाल जी ललिता विशाखा सखी को असली सोने चांदी की जरी की पोशाक धारण करवाकर नगर भ्रमण करवाया जाता है। वहीं अग्रवाल समाज के लोग मोतिया रंग की पगड़ी बांधे सफेद धोती कुर्ते में ढोलक मंजीरों के ऊपर सत्संग करते हुए चलते हैं। पत्रिका टीवी के लिए देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।